आज के टाइम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिम जाते हैं बट स्टिल उन्हें सप्लीमेंट जो वे प्रोटीन होता है सप्लीमेंट खरीदना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उसकी कुछ वजहें हैं। पहली भाई प्राइस, सीरियसली जो प्रोटीन भाई किसी टाइम में 2-3 हज़ार का मिलता था आज उसकी प्राइस 4-5 हज़ार हो चुकी है, कौन खरीदेगा। दूसरी चीज़ कि यार कहीं कुछ इसमें फेक रियल ये वाला एक सिस्टम हो गया है, डुप्लीकेसी तो भाई बहुत ज़्यादा हो गई है स्पेशली ऑन की। तो भाई डुप्लीकेसी मतलब मैं खुद ऑन जब खाया करता था तब आई थिंक वो 3-3.5 हज़ार का आता था 5 LVS का, अब आज वही उसका प्राइस 5 हज़ार के ऊपर 6 हज़ार तक पहुंच चुका है डुप्लीकेसी ऑन की, बहुत ज़्यादा है। थर्ड कि यार कहीं कुछ हमारे इस प्रोडक्ट में अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है। अनवांटेड बोले तो मतलब जो हमारी बॉडी को ना चाहिए हो या फिर जो हमारी बॉडी शायद ना बर्दाश्त कर पाए, कहीं कोई ऐसे अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स तो इसमें नहीं पड़े हैं, तो उसको ख़रीदने का क्या फ़ायदा है। सो ये प्राइस वाला फैक्टर तो खैर बहुत ज़्यादा है कि भाई प्राइस पॉकेट फ्रेंडली नहीं होते हैं आजकल के प्रोटीन। सो ज़्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं कि यार हम घर पे ऐसा क्या होममेड प्रोटीन शेक बना सकते हैं कि हमारा प्रोटीन भी हो जाए, हमको उससे कार्ब्स फैट्स भी मिल जाए। अब अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, वेट गेन कर रहे हो, वैसे तो हर चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रोटीन शेक में ऊपर नीचे इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं। ये जो मैं आपको प्रोटीन शेक बता रहा हूँ ये आप जनरली यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है, एक दिन में आप 2 बार भी इसको कंज्यूम कर सकते हो। आप चाहे फैट लॉस कर रहे हो, आप चाहे वेट गेन कर रहे हो, आप चाहे मसल गेनिंग कर रहे हो, या फिर अगर आप एक नॉर्मल फिटनेस एंथुजियास्ट भी हो, क्यों ना हो तो वो भी यूज़ कर सकता है इसको। बट मेरा जो प्रोटीन शेक जो मैं अभी आपको रेसिपी बताऊंगा उसमें सिर्फ एक चीज़ और हमारे जो मार्केट में मिलते हैं सप्लीमेंट उसमें एक चीज़ में क्या फ़र्क है कि भाई अगर आप मार्केट का सप्लीमेंट कोई खरीदोगे जिसका मैं फ़ोटो यहाँ डाल दूंगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये ले लेते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट को कि भाई इसमें एक स्कूप में आप देख रहे हो कि भाई इतना ग्राम आपको प्रोटीन मिल रहा है और कार्ब्स और फैट्स बहुत ही ना के बराबर होता है, मिनिमल होता है, ठीक है, ये एक फ़र्क होता है। अब हमारा जो होममेड प्रोटीन शेक होगा उसमें आपको प्रोटीन भी इतना ही मिलना है, 20 से 25 ग्राम का आपका प्रोटीन होगा, 25 से 30 ग्राम का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना उसमें चीज़ें बढ़ा के डालते हो। सो प्रोटीन भी हमारा उतना है, कार्ब्स का थोड़ा सा वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है और थोड़ी सी फैट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, बट जो फैट्स और कार्ब्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है वो गुड फैट्स हैं और गुड कार्ब्स हैं। अब इसमें बहुत से लोग ये चीज़ सोचते हैं यार कि फैट, मुझे तो फैट लॉस करना है तो मैं फैट ही क्यों लूँ, मुझे तो फैट घटाना है तो मैं फैट खाऊं ही क्यों, मैं फैट कंज्यूम ही क्यों ना करूं। फैट्स हो, कार्ब्स हो, विटामिन मिनरल्स, कोई भी चीज़ हो, हमारी बॉडी के लिए सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस मेंटेन चाहिए हमारी बॉडी। इसीलिए फैट, जब नया फैट आएगा तो पुराना फैट आपका जाएगा और जो फैट आपका इकट्ठा होता जा रहा है वो निकलेगा। और उससे बड़ी चीज़ जो फैट्स होते हैं, जब आप फैट्स कंज्यूम करते हो तो वो फैट्स ही एक फैक्टर होता है कि आपकी बॉडी विटामिन्स मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, वो फैट्स के थ्रू ही हो पाता है। अब अगर हम बात करें अपनी रेसिपी की, भाई बहुत बेसिक रेसिपी है, ठीक है, इसमें मैंने कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं यूज़ की हैं कि भाई जो शायद आपको ना मिले या फिर आपको भाई कहीं इधर उधर दूर जाना पड़े कुछ लेने के लिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में ना आए। बहुत लोगों के घर में ऑलरेडी ये चीज़ें होंगी, आपको बस मिक्सी में डाल के उसको मिक्स करना है और आपका प्रोटीन शेक बन जाएगा। तो हम अपनी रेसिपी की अगर बात करें तो उसमें बेसिकली सिर्फ 5 चीज़ें होंगी। पहली होगी एलमंड्स यानी कि बादाम, वॉलनट्स यानी कि खजूर, तीसरा हमारा होगा पीनट बटर जो कि आपको मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाएगा। अगर आप कहीं आसपास के आपके कहीं जनरल स्टोर होगा डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा पीनट बटर में। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी पीनट बटर ले रहे हो कम से कम उसकी पर सर्विंग 10 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए और आपका कार्ब्स 3 से 5 ग्राम 6 ग्राम तक हो जाए और फैट्स जो होता है 10 से 15 ग्राम के बीच में रहे, ये आपकी क्वांटिटी रहनी चाहिए उस पीनट बटर की, तो इसका मतलब वो पीनट बटर वाकई में बहुत अच्छा है। तो ये 3 चीज़ें आपकी हो गई, एलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट बटर्स। चौथी चीज़ जो हमारी होगी वो होगी मिल्क, दूध। अब दूध में बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार 2 टाइप के दूध होते हैं, एक होता है स्किम्ड मिल्क और एक होता है टोन्ड मिल्क। अब लोग ये सोचते हैं कि यार कौन सा मिल्क ज़्यादा प्रेफरेबल है। देखो वैसे तो स्किम्ड मिल्क बोला जाता है कि यार ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्वांटिटी क्वालिटी कह लो थोड़ी सी बेटर होती है, प्लस जो आपका स्किम्ड मिल्क होता है वो लो इन फैट होता है। सो इसीलिए लोग ज़्यादातर स्किम्ड मिल्क ही उसको प्रेफर करते हैं इन टोन्ड मिल्क के बजाय। बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई इशू नहीं है, आप टोन्ड मिल्क कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि आप जिम जा रहे हो यार, जिम जाओगे वहाँ वर्कआउट करोगे, चीज़ें होंगी,
यू विल लूज द फैट। आपको यहाँ से भी कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अनवांटेड मिल रहा है, बट ये उन लोग के लिए है कि अगर आप स्किम्ड मिल्क नहीं आपको हो सकता प्रोवाइड, तो आप टोन्ड मिल्क भी पी के जा सकते हो। एज सच कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट अगर स्किम्ड मिल्क है सो बेस्ट है। बाकी एक लास्ट चीज़ आपको ऐड करनी है, वो है प्रोटीनेक्स। प्रोटीनेक्स आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, आपके पास ही के मेडिकल स्टोर जनरल स्टोर मिल जाएगा, 300-400 रुपये का, 500 रुपये तक का आता है। प्रोटीनेक्स आपको ख़रीदना है बस। अब इसमें करना क्या है कि भाई देखो, जो एलमंड्स होंगे आपको डालने हैं 5 एलमंड्स, 5 बादाम, जिसमें से आपको मिलेगा 2 से 3 ग्राम का प्रोटीन, 3 से 4 ग्राम का फैट्स और 1 से 2 ग्राम का आपका कार्ब्स हो जाएगा। और आपको आई थिंक 30-35 के बीच आपको मिल जाएगा कैलोरीज, ये आपका हो जाएगा 5 एलमंड्स से। अब अगर हम बात करें अपने वॉलनट्स की, 5 वॉलनट्स ही आपको डालने हैं, जिसमें से 3 से 4 ग्राम का आपको प्रोटीन मिल जाएगा, 10 से 15 ग्राम का आपको मिल जाएगा फैट, और 2 से 3 ग्राम का आपको इसमें मिल जाएगा कार्ब्स, और आपको कैलोरीज इसमें मिलते हैं 130 कैलोरीज आपको मिल जाएंगे वॉलनट से। अब हमारा थर्ड आएगा, वो होगा स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क आपको जितना आप डालोगे आई थिंक 300-400 ml तो आपको लगेगा अगर आप एक प्रोटीन शेक बनाओगे तो। सो उस 300-400 ml के बीच में आपको जो न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगी वो है 10-15 ग्राम आपको कार्ब्स मिल जाएगा, 8-10 ग्राम आपको प्रोटीन और 1-2 ग्राम आपको फैट मिल जाएगा स्किम्ड मिल्क में। बाकी आप इसमें अगर आपके पास चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, किसी भी तरह का कोई सीड्स है तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि सीड्स भाई फाइबर के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन मिनरल्स होते हैं। खैर सीड्स में भी आपके कार्ब्स फैट्स थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैंने उसको एक्सक्लूड करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई एक चम्मच ज़्यादा से ज़्यादा आप डालोगे या मे बी आप आधा चम्मच डालो, सो इसलिए मैं उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको एक्सक्लूड करके आपको बता रहा हूँ। प्रोटीनेक्स की अगर हम बात करें तो उसका भी आपको एक ही स्कूप लेना है, जिसमें आई थिंक 10 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाता है, 16 ग्राम के आसपास आपको कार्ब्स मिल जाता है, और 1 ग्राम से भी कम में आपको फैट मिल जाता है, प्लस विटामिन और मिनरल्स उसमें और भी होते हैं। लास्ट आपका आएगा पीनट बटर। पीनट बटर आपको डालना है एक स्पून जो हमारा होता है टेबलस्पून, एक स्पून आपको पीनट बटर ऐड करना है। अब उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट आपको पीछे मिल जाएंगे, जो भी आप पीनट बटर खरीदोगे भाई, चाहे आप किसी भी कंपनी का किसी ब्रांड का खरीदो, बस मैंने आपको बता दिया कि क्या ध्यान में रख के खरीदना पीनट बटर, 10 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, कितना ग्राम फैट होना चाहिए, कितना ग्राम कार्ब्स होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको पीनट बटर अपना खरीदना है। वो खरीद के आपको एक स्पून अपना वो डाल देना है, मिक्सी में डाल के आपको ये सब कुछ घुमा के एक बढ़िया सा प्रोटीन शेक बना लेना है, और यही प्रोटीन शेक आप दिन में 1-2 बार बड़े आराम से कंज्यूम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें मैंने आपको जो मैंने वो बताया कि इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी आपके इस प्रोटीन शेक की, वो होगी कम से कम 10-15 ग्राम का आपका फैट हो जाएगा, 10-20 ग्राम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप जो मैंने चीज़ें बताई हैं, लाइक एलमंड्स मैंने बताए हैं, मैंने एक नॉर्मल साइज़ के आपको एलमंड्स बताए, अगर आपके एलमंड्स छोटे हुए बड़े हुए तो उस पर भाई फिर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बट अगर हम पूरे एक प्रोटीन शेक की बात करें, सब कुछ एवरेज रख के चलें, तो 10-20 ग्राम का आपको फैट भी मिल जाएगा, 20-30 ग्राम तक आपको प्रोटीन मिल सकता है, और 25-30 ग्राम आपको आई गेस कार्ब्स भी प्रोवाइड हो जाएगा, और कैलोरीज तो 200-300 के आसपास हो जाएंगे अभी कैलोरीज। सो आई थिंक ये बहुत एक अच्छा प्रोटीन शेक रहेगा आपके घर बनाने के लिए, जो कि ऑलरेडी आपकी सब चीज़ें घर पर होती हैं, दिवाली का टाइम है, कई लोगों को घर पे ऑलरेडी वो सब होता है ना, गिफ्ट विफ्ट मिलते हैं, उसमें भैया एलमंड्स और कैश्यूज और यही सब भरे होते हैं। सो मेरे हिसाब से तो आपके पास हो गई होगा, नहीं भी होगा आप पास से जाके किसी भी जनरल स्टोर से ख़रीद सकते हो, कोई इशू नहीं है। बहुत सी यार मतलब बेसिक चीज़ें हैं ये बहुत बेसिक चीज़ें, मैंने आपको कुछ ऐसा भी नहीं बताया कि आपको शायद ना मिले, ढूंढना पड़े, कहीं दूर जाना पड़े, कुछ हो, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आराम से बनाइए, आराम से पीजिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मैंने आपको इसकी बता दी है जो आपका प्रोटीन शेक होगा। सो ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको होममेड प्रोटीन शेक की एक बहुत अच्छी रेसिपी बताई है, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, मैक्सिमम 2 ही बार पीना है आपको, 2 बार से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। बाकी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो हमारी लाइक कर दो, बाकी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप ईटिंग हेल्दी फूड, आई विल सी यू गाइस इन द next vlog.